हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SEO पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने गूगल एनालिटिक्स 4 का वो सेटअप करा था GTM में, ताकि हमारे वेबसाइट्स पे कोई भी यूज़र्स आएँ, उनकी इंट्रैक्शन हो, जो भी इवेंट्स वो करें वो ट्रैक हो जाएँ। तो वो था GA4 सेटअप, वो बहुत ज़रूरी था। अब जो हम लोग नेक्स्ट सेटअप्स करेंगे, लाइक बटन ट्रैकिंग करेंगे, स्क्रॉल डेप्थ करेंगे, जो भी इवेंट्स होंगे उन सबको मैं सेटअप करूँगा। तो आज का जो इवेंट है वो हम बटन ट्रैकिंग करेंगे थ्रू टेक्स्ट, जो बटन के ऊपर लिखा होता है ना टेक्स्ट, उसके थ्रू करेंगे। तो पहले मैं आपको वो बटन दिखा देता हूँ कौन सा बटन है जिसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा sandy.com। मैं यहाँ कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ जाता हूँ, उसके उधर एक बटन है फ्रेंड्स, ये बटन है बुक मीट। तो मैं चाहता हूँ कोई भी आए, जैसे इन्होंने sandy.com में लिखा हुआ है इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस, तो बुक मीट, एक मीटिंग बुक के लिए मतलब एक रिक्वेस्ट जनरेट करे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे जितने भी क्लिक्स हों उनका एक जो इवेंट बने उसका डेटा मेरे पास GA4 में आए। तो उसका मैं इवेंट जो है वो सेट करूँगा GTM में। ओके, तो पहले हम गूगल टैग मैनेजर में जाएंगे। तो मैं पहले एक टैग क्रिएट करूँगा। तो फ्रेंड, जैसे एक इवेंट है, आपको पता है गूगल एनालिटिक 4 इज़ ऑल अबाउट इवेंट एंड जूए एनालिटिक्स वाज इज ऑल अबाउट इट्स सेशंस। जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स था जिसे GA3 भी कहते थे, वो सेशन बेस्ड था, ये इवेंट बेस्ड है। तो हमें नाम ऐसा लिखना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि इस तरीके से नेम हम अपने टैग्स के और ट्रिगर्स के बनाएंगे, ताकि एक सॉर्ट हो जाए, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो कि आने वाले टाइम में जितने बटन्स बढ़ेंगे या जितने भी क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई इस इसका टैग लगाओ, इस चीज़ के मुझे इवेंट्स इंडिविजुअल चाहिए, तो हम लोग कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं इसका जो नेम लूँगा वो मैं लूँगा बुक मीटिंग इवेंट क्लिक बटन इवेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टैग हो गया। अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा। जब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा तो मैं इधर जाऊँगा, हम गूगल एनालिटिक्स इवेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इवेंट बेस बना रहे हैं। मेजरमेंट आईडी आपको पता ही है हमें कौन सी लेनी है, हमें लेनी है ये कॉन्स्टेंट वाली। GA4 इवेंट आ गया हमारा। ठीक है फ्रेंड, अब हम इस इवेंट का नाम भी ले सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं बुक मीटिंग क्लिक बटन, ये लिख सकते हैं। और अगर हमें कोई पैरामीटर ऐड करने हो तो यहाँ पे हम ऐड ये कर सकते हैं पैरामीटर में कि हम क्लिक टेक्स्ट और वैल्यू में हम दे सकते हैं बुक मीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया टैग, ये हमारा एक टैग बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम ट्रिगर ऐड करेंगे। जब हम ट्रिगर ऐड करेंगे तो मैंने बोला था एक नया ट्रिगर ले लेंगे, जिस ट्रिगर का हम नाम लिख देंगे। जैसे मैं हमने वहां पे लिया था बुक मीटिंग क्लिक इवेंट ट्रिगर, ये मैंने ट्रिगर ले लिया। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी, ऑल एलिमेंट्स सम क्लिक्स क्लिक टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे बुक मीटिंग। फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी बटन के ऊपर जो भी लिखा हो बुक मीटिंग, चाहे स्मॉल में हो कैप्स में हो, सेम एज इट इज़ हमें वैल्यू में वही पेस्ट करना है। तो ये हमारा यहाँ सेव हो गया, ये हमारा एक टैग ट्रिगर बन गया, ये हमने इसको अभी सेव कर दिया। अब हम इसको चेक करेंगे प्रीव्यू मोड में, उसके बाद इसको सबमिट करके पब्लिश करेंगे और फिर देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स 4 में डिबग व्यू में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रीव्यू में जाता हूँ, ये हमारा डोमेन आ गया, इसको मैंने कनेक्ट किया।
जैसे मैंने बोला राइट हैंड साइड पे एक चेकबॉक्स बन के आएगा जिसमें टैग असिस्टेंट कनेक्टेड लिखा आएगा, तो हमें उसका वेट है। एक चेकबॉक्स आ गया, अब टैग असिस्टेंट कनेक्टिंग आ रहा है, नाउ इट्स कनेक्टेड। तो अब ये कनेक्ट हो गया, अब हम लोग कॉन्टैक्ट टक्स पे जाके उस पर क्लिक करेंगे। मैं इस पर गया कॉन्टैक्ट टक्स पे, इस पेज को भी आप प्रॉपर लोड होने दीजिएगा, कॉन्टैक्ट टक्स अभी भी लोड हो रहा है फ्रेंड्स। जैसे ही ये पेज लोड हुआ उसके बाद मैंने बुक मीटिंग बटन पे क्लिक करा, इस टेक्स्ट पे क्लिक करा। अब मैं पीछे जाके देखता हूँ कि जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये हमारा कनेक्ट नहीं हुआ था, इसको एक बार रीट्राई कर लेते हैं, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये बार दोबारा ओपन हुआ है, नॉट कनेक्टेड, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इसको एक बारी इसे यहाँ से क्लोज करके फ्रेंड्स अब एक बारी दोबारा इसको ट्राई करते हैं यहाँ से। अपना डोमेन हमने डाला और फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करी। फ्रेंड्स कभी कभार ऐसा इशू आ जाता है, वो कनेक्ट नहीं होता तो उसे रीओपन करना चाहिए या हमें रीकनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे जैसे कनेक्टेड आ जाएगा लिखा हुआ तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब ये कनेक्टेड हो गया है। अब जैसे मुझे बुक मीटिंग का ही करना है, तो जैसे मैं इस पर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, क्रॉस चेक करेंगे कि टैग फायर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने जैसे क्लिक करा बुक मीटिंग, मैंने इस पर क्लिक करा, अब मैं इधर जाके देखूंगा टैग फायर हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स देखो, टैग फायर हो गया है, बुक मीटिंग क्लिक बटन टैग फायर हो चुका है। साथ के साथ ये GA4 इंटीग्रेशन सेटअप भी टैग फायर हो गया है। फ्रेंड्स जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जब इसको सेटअप करा था, तो हम किसी भी पेज पे जाएंगे ये टैग जरूर फायर होना चाहिए। इससे पता चलता है कि कोई भी यूज़र किसी भी पेज पे आया, उसका डेटा अगर वो 10 सेकंड से ज़्यादा रुकता है या जो भी होता है, एक इंगेजमेंट सेशन भी हमारा काउंट हो जाएगा। तो हर पेज पे कोई भी जब यूज़र जाएगा तो ये टैग जरूर फायर होगा, क्योंकि हमने ऑल पेजेस, आपको याद होगा ट्रिगर बनाया था उस पर करा था, ऐसे बुक मीटिंग का भी यहाँ फायर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ जाएंगे, इसको हम सबमिट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। अब ये हमारे यहाँ पे हो गया है। और एक बात फ्रेंड्स और नोट कीजिएगा, जब आप ये कर लें, जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लें, तो हमेशा एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे जाके चेक कीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, लोग भूल जाते हैं। एक मिनट, जैसे वर्कस्पेस पे जाइएगा, यहां पे वर्कस्पेस चेंजेस हमेशा जीरो होना चाहिए। अगर ये 1 2 3 है तो वो आपने सबमिट नहीं करा, तो कहीं ना कहीं एनालिटिक्स में वो फिर शो नहीं होगा। अब हम एनालिटिक्स में जाते हैं और डिबग व्यू में देखते हैं। देखिए मेरा एनालिटिक्स ऑलरेडी ऑन था, तो जैसे 33 सेकंड पहले, 60 सेकंड पहले आपने देखा बुक मीटिंग क्लिक बटन। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका ट्रैक हो रहा है, तो इट मींस जो हमने इवेंट ट्रैक करने की कोशिश की थी, जिसका हमने टैग ट्रिगर बनाया था, वो टैग भी फायर हुआ और वो डिबग व्यू में भी यहाँ पे शो हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा मोटिव था कि हम कोई इवेंट जब ट्रैक करते हैं तो वो हमारा डिबग में शो होता है कि नहीं होता। अगर हम चाहें तो इसे होम में रियल टाइम में भी जाके अभी चेक कर सकते हैं, तो रियल टाइम में भी ये शो हो रहा होगा। पहले हम डिबग व्यू में देखेंगे और हम रियल टाइम में भी इसको भी देखते हैं। आपको पता है GA4 थोड़ा टाइम लेता है UA के कंपैरिजन में, भी अभी तक नई रियल टाइम में आया हो, बट अगर आ गया होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रेंड्स देखिए, इवेंट नेम बुक मीटिंग, ये यहाँ शो हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमने इस वीडियो में आपको बताना चाह रहे थे कि कैसे एक बटन के टेक्स्ट पे का को लेके हम इवेंट सेट कर रहे हैं, वो हमारा इवेंट सक्सेसफुली सेट हो गया है। वो उसका टैग प्रॉपरली बना, उसका ट्रिगर बना, जो कंडीशंस थी उसको हमने डिबग व्यू में चेक करा, फिर यहाँ सबमिट करा, और गूगल एनालिटिक्स में भी हमने डिबग व्यू एज वेल एज रियल टाइम में भी चेक कर लिया। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ आस्क मी। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं।